भी दुकानदार साथी हैं वो ध्यान देकर के सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना, जितने भी दुकानदार साथी हैं अपने दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दे, अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे साथियों, नू में हुई घटना ये मत सोचो कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है, हरियाणा हमारा घर है, हमारे घर की घटना है। आप एक बात ध्यान रखो, हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले, और 22 जिले में मात्र एक जिला उन मुसलमानों का, उन कुत्तों का, जहां हमारी यात्रा पर हमला हुआ, और हमारे 21 जिले जहां पर किसी प्रकार का उनकी किसी यात्रा पर कोई हमला नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ हिंदू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की इज्जत पर और क्षत्रिय की दाम पर जब जब हमला हुआ है क्षत्रियों ने हथियार उठाए, जब ये क्षत्रिय हथियार उठाएगा कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रशासन को चेतावनी है, अगर इंसाफ नहीं मिला और हमारे हुए शहीद भाइयों के जो वहाँ शहीद हुए उनके परिवारों को सहयोग नहीं मिला और किसी प्रकार का वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिला तो इसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जिस तरह से मेवात के अंदर हुआ है बहुत ही निंदनीय है, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरे हिंदू समाज को अपने ऊपर इस बात को लेने के लिए मजबूर ना करे, हमारी इज्जत पे वो हरियाणा के जितने भी बाकी जिले हैं उनकी यात्राएं बड़ी आराम से निकलती हैं। हमारी एक जिले में यात्रा निकली, उन्हीं लोगों ने घात लगाकर हमला किया, और सबसे बड़ी बात मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सही में अगर 100 लोग भी इकट्ठे होते हैं प्रशासन ये काम नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन का बयान होता है, कई दिनों से साबित हो रही थी